हेलो गाइस, तो आज हम अपना नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारे घर पे कोई आने वाला है और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और कार्तिक को बहुत मजा आ रहे हैं क्योंकि कोई आने वाला है। कार्तिक बताएगा कौन, बताओ बुई कौन बुई कौन सी बड़ी बड़ी बड़ी। अच्छी तरह बताओ, बिग अच्छी तरह बताना कौन सी बुआ नाम लेके। कविता बुआ जी, और कौन कौन आएगा? प्रक्षित भैया और अनु भैया। और अभी कार्तिक कहाँ जा रहा है? टू शो और ये कार्तिक मेकअप कर रहा है, ये देखो ये मेकअप लगाएगा अभी मुंह पे कार्तिक, है ना? लगा ले, तैयार हो जा अच्छे से, ठीक है? तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी मैं बन कर रही हूँ किचन में काम, सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ और कार्तिक तैयार हो रहा है अपने ट्यूशन पे जाने के लिए। देखिए ये मेकअप कर रहा है और ये इसको ना मेकअप बोलता है। बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी जो है आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर की। कार्तिक को मन हो रहा था खाने का पनीर की सब्जी, तो बस आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ। दीदी भी आई हुई हैं और बस खाना सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। और इसके बाद बस मैंने इसमें हरा धनिया डाला गार्निश के लिए और बन गई सब्जी तैयार और खाना बन चुका है। इसके बाद बस सबको सर्व किया, डिनर वगैरह किया, करवाया सबको, खाना वाना खिला के फिर उसके बाद में जो है हम लोग बातें करने के लिए बैठ गए थे। हंसी मजाक चल रहा था। अभी देखिए फ्रेंड्स, चुनमुन सांगन चुनमुन बताना इनको लेने माता डालो। हेलो, तो दोस्तों बुआ जी आ चुकी हैं और ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, ये देखिए कविता बुआ जी। कविता बुआ जी आगे लाओ कैमरा। नहीं इतने बार बार मुँह आंगे इतनी मोटी है तेरी बुआ, इतनी माफ कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब बस बैठे हुए थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। रात का टाइम था, खाना पीना डिनर सब हो चुका था और सभी बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। और कार्तिक सबके बीच में लेटा हुआ है और वो भी सबके मज़े ले रहा है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ कविता दीदी के पास, निशा दी के घर पे, मिलते हैं आपसे वहीं। फ्रेंड्स मैं यहाँ निशादी के घर पे आ गई थी, कविता दीदी यहीं पर आ गई थी सुबह, और बच्चे बैठे हुए थे सारे उनके साथ में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कर रहे थे हंसी मजाक। और यहाँ पर धूप में बैठ गए थे कविता दीदी और मम्मी, बाहर सब्जी वाला आया हुआ था, निशादी सब्जियाँ ले रही थी और कार्तिक उनको हेल्प कर रहा था भाग भाग के। और ये कोमल गई है बाहर से सामान लेके आने के लिए। अभी बस थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे गौशाला में अपनी में। और ये निशादी यहाँ पर सब्जियाँ खरीद रही थी, सब्जी वाला आया हुआ था, विंटर में काफ़ी सारी सब्जियाँ आ जाती हैं। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर सब कर रहे थे हंसी मजाक, थोड़ा सा बच्चों के साथ फन चल रहा था। मैं जब अपने आप डाल दूंगा फिर सारी ना बनाता जो तेरी तेरी हो गया जिसमें तन्ना ना बता और डाल दूं। पता लगना चाहिए ना कोमल है जिसने कुछ ना पता चल भाई पांच चल मार डंडे ओए कार्तिक चुप बोलने दे बेटा खलिया खलिया हुआ है रेत खलिया खलिया मतलब उठा उठा रेत उठा उठा खलिया खलिया रेत चल रहा है भाई गणा रेत चल रहा है कभी मत बढ़ाओ गाड़ी थोड़े थोड़े कर ले ज्यादा मत कर दो अच्छा बैठ जाते हैं चल बैठ चल बैठ आज मार के बैठ जा वो फोन पकड़ दोनों हाथ में चल खड़े हो गया हां और खड़ा हो बगैर आ गया ओए फोन पकड़ा और कुछ पकड़ा दे खाली पकड़ा दे गिर देगा पता खाली पकड़ा दे आया पकड़ा दे और पकड़ा दे रुक जाओ ये रेत खाली पकड़ दे यो चोट ना लगे यो तलिया तलिया रेत डाल दे ना बाय बाय।
पीतल सुन पहना पीतल के पतीले में पपीता रंद है कार्तिक रुक जा कार्तिक अब चल कार्तिक हाँ बैठ जा वहीं बैठ जा बोलने तो दो जब भी बोला जा तो गाइस यहाँ पर बच्चों से कुछ सवाल जवाब किए जा रहे थे, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, कुछ उनसे एक्टिविटीज करवाकर देखी जा रही थी और बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे। ये सब इकट्ठे होकर बैठे हुए थे बाहर माँ जी के पास में। कार्तिक के दोनों ताऊ जी थे, बुआ जी थी और बच्चे सारे इकट्ठे हो रखे थे और आपस में हंसते ऐसी हंसी मजाक मस्ती मजाक। तो इस तरह सभी बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और सभी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह से हंसी मजाक होना लाजिमी है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो काफ़ी इंजॉयमेंट होता है, फन होता है। चाली भी उठे चल 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 हाँ वेरी गुड वेरी गुड उठ 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 टेक टेक आठ ना टेकने चाहिए चाले रुक जा एक बार देख सी एक जा खटक बैल ले तू बैठे हां न्यो हटा दे देख ए कार्तिक के कार्तिक दी देख पान पान ऐसे तो मारिए देख दी 500 जमा होगा जैसे और ये सॉक्स निकाल दे ओ ओ79 89 89 मेरा भी 89 दोनों है गलत है ना ना दीपक का 79 था गलत बोल दिया मैं एक बार सोच
तो बस फ्रेंड, आज हम अपने व्लॉग का एंड यहीं पर कर रहे हैं। टाटा बाय बाय। अगर आज का हमारा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स हमारे चैनल को। और बाय बाय।